अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चायवाला। मिलियनेयर शफकत महमूद साहब तक ये आपने पहुंचाना है वीडियो वाया हिज ट्विटर अकाउंट। ओके, आपने इसको टैग वगैरह करना है और उन तक पहुंचाना है, इमरान खान तक भी पहुंचाना है, बिकॉज मैं आपको जो भी बताने जा रहा हूं आपका दिमाग फट जाएगा टू थिंक कि यार इतना अमेजिंग सोल्यूशन मैं दे रहा हूँ फॉर द वन नेशन वन सिलेबस वाली जो प्रॉब्लम है हमारे पास, जो हम करने जा रहे हैं ना, जहाँ पे हुकूमत ने तय किया कि एक ही सिलेबस होगा पूरे पाकिस्तान में अप एंड डाउन, और उसको डिलीवर हम ऐसे करेंगे, सस्ते में करेंगे, बच्चों की जो कमरें टूट रही हैं बारी बारी बस्ते जो उठा उठा के, वो वाला सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और ख़ास तौर पर वो सिलसिला कि जी 10-10, 20-20 साल पुरानी सिलेबस चल रही है कि वॉट इज़ अ ब्लडी माउस और वॉट इज़ अ फ्लॉपी डिस्क। अब मेरे बच्चों ने तो शायद उनको जिंदगी पता ही नहीं होगा कि यार फ्लॉपी डिस्क भी कभी वजूद में थी। खैर, आइडिया सिंपल ये है कि ये जो आपको टैबलेट नज़र आ रहा है, इस टैबलेट की हमने ई रीडर एक बनानी है। ई रीडर क्या होता है, इतनी पतली एक डिवाइस होती है, बड़ी रोबस्ट होती है, बड़ी पायदार होती है, उसको कुछ नहीं होता, वो हमें बनानी है। उसमें हमने एक सिम लगानी है। यहाँ पे हुकूमत अपना वो जो है ना मैजिक दिखाएगी, अपना जादू दिखाएगी। हुकूमत ने उसमें एक सिम लगानी है जो सारी टेलीकम्युनिकेशन डेटा वाली कंपनीज हैं वो हमें मुफ्त की डेटा देंगी। वहाँ पे हमने किताबें डाउनलोड करनी है। हमारे हर क्लास का जो सिलेबस है इस टैबलेट में आना चाहिए और इसका वज़न चंद सौ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम होगा। बच्चा ये सिर्फ लेके आएगा, जिस तरह हम एक ज़माने में तख्ती नहीं लाया करते थे ऐसे ऐसे खेल खेल के, तो समझ ले कि हम वापस तख्ती पे जा रहे हैं। और ये एडवांस डिजिटल तख्ती है जो हमें दुनिया की हर नेशन से कौम से आगे ले जाएगी तालीम में। वो करेगी क्या कि मैंने आपसे कहा है कि मैं एक दिन बैठ के इन सारी किताबों से जितना भी रटा, जितना भी वो मवाद है जो हमें हमारे काम नहीं आता, ना किसी जनरेशन के काम आया, वो मैंने निकाल देना। पीछे से रह सिर्फ वही चीज़ें जाएंगी जो हमारे काम आती हैं, जो एक्चुअल इल्म है, जो आज की दुनिया में भी हमारे काम आती हैं। तो जब वो हम करेंगे और या अचानक कोई नई इजाद आती है, कोई नया इल्म आता है और हम एक सेंट्रल लोकेशन से उसे इस सिस्टम में डालते हैं और एक बटन दबाते हैं, हर बच्चे के यहाँ पे अपडेट वाली वो निशान अपडेट वाला निशान आ जाएगा, वो उस बटन को दबाएगा और उनकी किताबें फौरन से पहले अपडेट हो जाएंगी। यानी हमें पुरानी किताबों पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। तो फिर खान साहब ये भी कहते हैं कि उन्हें दरख्त लगाना बहुत पसंद है। दरख्त काटना मुल्क के लिए बुरी बात है, माहौल के लिए बुरी बात है, तो अब दरख्त भी नहीं काटेंगे। स्याही से हमारे जो पानी के टेबल्स हैं, पानी के जो पूल टेबल्स हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं, वो पॉइजन नहीं होंगी, जहर नहीं उनमें घुलेगा, ठीक है, मिक्स नहीं होगा। तो दिस इज़ दी आइडिया। ये 3,000 रुपये में बन सकता है, 3,000 रुपये में रिटेल किया जा सकता है। इसकी बैटरी आराम से 14 दिन निकाल लेगी, क्योंकि इसमें वीडियो नहीं होगा, इसमें गेम खेलने वाली जो है ना कैपेबिलिटी नहीं होगी, इसमें सिर्फ पढ़ाया जाएगा। रंगीन तस्वीरें आएंगी, अगर हम चाहते हैं तो हल्के फुल्के 10 सेकंड के 15 सेकंड के वीडियो क्लिप्स भी डाल सकते हैं, ऑडियो भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन हमें इसमें कैमरा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमर्शियल भी अगर आप कोई चीज़ लेने जाओ तो वो भी इतने करीब निकल सकती है, लेकिन अगर हुकूमत इस आइडिया को बैक करती है तो, या कोई भी बिजनेसमैन इस आइडिया को बैक करता है, टैक्स नहीं लगाते हम इस चीज़ पे, डायरेक्टली पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं, या बेहतर क्या कि ये जो कंपनियां हैं ना जो अभी पब्लिशिंग करती हैं किताबों की, मैं नहीं चाहता कि आपकी रोज़ी में कोई हल लाए, मैं ना उस पर टांग मारने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे इस मुल्क को आगे बढ़ाना है एंड दिस इज़ आवर लास्ट रिजॉर्ट। ये हमें बहुत जल्द बहुत आगे बढ़ा सकती है, तो फॉर दैट रीज़न आप लोग इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दो पाकिस्तान में, और आपकी रसाई हुकूमत तक होती है उनके गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह के लिए, तो मे बी आप डायरेक्टली उनको बेच सकते हो, वो आपसे ये ख़रीद लेंगे। दैट्स ऑल आई वांट टू से, ये सिंपल सा आइडिया। और अगर फ़र्ज़ करें हुकूमत नहीं इसको उठाती तो कौन उठाए? बड़ी बड़ी जो चैरिटीज़ हैं, जो स्कूल्स बड़े बड़े कई सौ कई हज़ार चेन स्कूलों के चलाती हैं, आप लोग करें, एलाइड वाला चेन करें, सिटी वाला, बीकन वाला, AQ Han वाला, द फाउंडर्स वाला, ये आप जितने भी चेन्स के मालिक हैं, किसी के पास 300 स्कूल हैं, किसी के पास 8,000 हैं, 10,000 हैं, यू गाइज नीड टू टेक द इनिशिएटिव। आपके बच्चों की बचत भी होगी, उनकी कमर भी नहीं टूटेगी। वो मेल न्यूट्रिशन वाला खान साहब बहाना देते रहते हैं, मुझे तो लगता है कि हमारे बच्चे डिमरे इसलिए रहते हैं बिकॉज देर कैरिंग रियली हैवी बैग्स, तो वी विल एलिविएट दैट प्रॉब्लम। हमारा नॉलेज इमीडिएटली अपडेट होगा, एक सेंट्रल लोकेशन से अपडेट होगा, हमारा होमवर्क, हमारा सब कुछ यहाँ से।
दीज आर ऑल्सो टच स्क्रीन भी है, इनके साथ स्टाइलस भी मिलता है, हम लिख भी सकते हैं या मे बी हम इनके साथ कुछ बुक्स कापियाँ रख सकते हैं। बट जहाँ तक हमारी टेक्स्ट बुक्स का रोल आ जाता है, इससे हमें हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ये हमें एडवांस लेके जाएगा। दिस आइडिया वॉज कंसीव्ड इन पाकिस्तान, मुझे नहीं पता दुनिया में कहीं और कोई इस्तेमाल कर रहे कि नहीं। लेट्स मेक द टैबलेट इन पाकिस्तान, लेट्स टीच आवर बच्चे इन पाकिस्तान। ठीक है, संजीदा सा वीडियो था, मैंने आप तक पहुँचाना था। इट्स नॉट अ बिजनेस आइडिया, दिस इज मैं आई एम नॉट ऑलवेज अबाउट बिजनेस, मैं कहता हूँ एजुकेटेड होंगे ना तगड़े से तो दैट विल ऑल्सो मेक अस वेरी कीमती, बहुत हम कीमती बन जाएंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे इंशाल्लाह। मैं हूँ आज़ाद चायवाला, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फार। प्लीज़ इसको इन दोनों बंदों तक पहुँचाइएगा, कोई ना कोई इस पर ज़रूर एक्शन ले। एंड लास्टली, अगर आपको नहीं पता कि मैं यहाँ बैठ के आपके सामने खड़ा होके वीडियोज़ क्यों बनाता हूँ टू टीच पाकिस्तान के पैसा किस तरह कमाया जाता है, मेरी काबिलियत क्या है, तो इस डिस्क्रिप्शन में वो फुल वीडियो है जो आपको दिखाता है कि मेरी जर्नी फ्रॉम 12 साल से 21 साल तक जब मैं डॉलर मिलियनेयर बना था एंड वहाँ से लेकर अब तक मेरी काबिलियत क्या है एंड मेरी पूरी कहानी क्या है। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, मैं हूँ आज़ाद चायवाला, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम।